इधर देश में चुनावी घमासान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय भूटान के दौरे पर हैं। हालांकि उनके भूटान दौरे का आज दूसरा दिन है। कल प्रधानमंत्री को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया, जिसे उन्होंने देश के लोगों को समर्पित किया है। भूटान के दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने पड़ोसी मुल्क को अस्पताल की सौगात दी। पीएम भारत के सहयोग से बने अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे। पीएम ने भारत के सहयोग से बने अस्पताल का उद्घाटन किया। इस अस्पताल का निर्माण भारत के सहयोग से हुआ है। दौरे के पहले दिन पीएम मोदी को भूटान के राजा जिग्मे वांगचुक ने भूटान के सर्वोच्च अवार्ड ऑर्डर ऑफ ड्रग ग्यालपो से सम्मानित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि ये सम्मान 140 करोड़ भारतीयों को समर्पित है। पीएम आज सुबह 9:15 पर भूटान यात्रा खत्म कर भारत के लिए रवाना हो जाएंगे। एक भारतीय के नाते मेरे जीवन का बहुत बड़ा दिन है। अन्य देश से अवार्ड मिलता है तो ये भरोसा मजबूत होता है कि हम दोनों देश सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यह सम्मान भारत और 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी में आक्रोश है और लगातार इसी को लेकर प्रदर्शन कर रही है। आज से आप गिरफ्तारी के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत भी करने जा रही है। आक्रोश आम आदमी पार्टी में गिरफ्तारी को लेकर, जिसके खिलाफ लगातार प्रदर्शन जारी है और अभी से को लेकर आंदोलन की भी शुरुआत होने वाली है। शराब घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी आईटीओ के शहीदी पार्क से आंदोलन की शुरुआत करेगी। आज सुबह 10 बजे आम आदमी पार्टी के सभी सांसद, विधायक, पार्षद शहीदी पार्क पहुंचेंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी शहीदी पार्क पहुंचेंगे। शहीदी पार्क में ये नेता तानाशाही को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेंगे। आम आदमी पार्टी ने शहीदी पार्क में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इंडिया अलायंस के नेताओं को भी आमंत्रित किया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ 24 मार्च को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पुतला जलाएंगे। 25 मार्च को आपके नेता होली नहीं मनाएंगे। 26 मार्च को आम आदमी पार्टी ने पीएम निवास का घेराव करने का ऐलान किया है। 24 तारीख को पूरे दिल्ली के अंदर तानाशाह प्रधानमंत्री का पुतला दहन, 25 तारीख को होली जो है वो इस गिरफ्तारी के विरोध में हम लोग स्थगित कर रहे हैं। 26 तारीख को पूरी दिल्ली मिलकर के प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेगी। देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट की तैयारी में जुटी है और बड़ी खबर यह है कि बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद आज अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर सकती है। 4 लिस्ट अब तक जारी हो चुकी है, कई उम्मीदवारों के नाम अब तक घोषित हो चुके हैं और अब 5वीं लिस्ट का इंतजार है। माना जा रहा है कि आज बीजेपी इसे जारी कर सकती है। लोकसभा उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए आज फिर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। शाम 6 बजे होने वाली इस बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद होंगे। आज बीजेपी सीईसी की बैठक में उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, राजस्थान, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, हरियाणा में लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होने की उम्मीद है। बीजेपी ने अब तक अपने उम्मीदवारों की 4 लिस्ट जारी की है। 2 मार्च को पहली लिस्ट में 195 नाम थे, इनमें से 2 लोगों ने नाम वापस ले लिया। 13 मार्च को दूसरी लिस्ट 72 नाम, 21 मार्च को तीसरी लिस्ट 9 नाम, 22 मार्च को चौथी लिस्ट 16 नाम, यानी अब तक बीजेपी ने 290 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। आज की बैठक में बाकी सीटों के लिए उम्मीदवार तय करने पर फोकस रहेगा। खबर हिमाचल प्रदेश से है, जहां पर कांग्रेस से बगावत करने वाले 6 विधायक आज बीजेपी में शामिल होंगे। इनके साथ ही 3 निर्दलीय विधायक भी बीजेपी में शामिल होंगे। इन सभी विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को वोट दिया था। हिमाचल प्रदेश में 3 निर्दलीय विधायकों ने विधानसभा सचिव को इस्तीफा सौंप दिया है। विधानसभा से इस्तीफा देने वाले निर्दलीय विधायकों में हमीरपुर से विधायक आशीष शर्मा, देहरा से विधायक होशियार सिंह और नालागढ़ के विधायक केएल ठाकुर शामिल हैं। आज ये 3 निर्दलीय और कांग्रेस के 6 बागी विधायक बीजेपी में शामिल होंगे। हिमाचल में राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के 6 विधायकों ने बगावत कर बीजेपी उम्मीदवार को वोट दिया था। कांग्रेस से बगावत करने वालों में धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा,
सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा, कुटलेहड़ के विधायक देवेंद्र भुट्टो, गगरेट के विधायक चैतन्य शर्मा, लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर, बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल शामिल थे। बाद में इन 6 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इधर मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला का जो एसआई सर्वे है वो आज भी जारी रहेगा। कल आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके जो भोजशाला का जो सर्वे था वो उसे पूरा किया गया था और भारी पुलिस प्रशासन उस दौरान मौजूद रहा था। धार पहुंची एएसआई की टीम ने भोजशाला का सर्वे शुरू कर दिया है। सर्वे के लिए भोपाल से एएसआई की टीम धार पहुंची है। सर्वे के पहले दिन 10 सदस्यों की टीम ने सर्वे किया। हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक सर्वे में जीपीएस और कार्बन डेटिंग जैसे उपकरणों की मदद ली जा रही है। 50 मीटर के दायरे में सर्वे हो रहा है। सर्वे के दौरान सभी के फोन बाहर रखवा लिए गए। 60 कैमरों की मदद से आसपास की निगरानी की जा रही है। सर्वे को देखते हुए धार में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दरअसल हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने 11 मार्च को भोजशाला का सर्वे कराने का आदेश दिया है। एएसआई को 6 हफ्ते में वैज्ञानिक सर्वेक्षण का निर्देश दिया था। कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को है। यहाँ पर किसी हिंदू समाज को आने के लिए रोक नहीं थी। हिंदू समाज हमारे बड़े भाई हैं। यहाँ पर हिंदू और मुसलमान एक हैं और हमेशा एक होकर काम करते रहे हैं। कुछ असामाजिक तत्व हैं जो इस पूरे मामले को खड़ा करना चाहते हैं। इस मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। देश भर में होली की शुरुआत हो चुकी है। जगह जगह रंगों की बौछार है। क्या क्या तैयारियां हैं रिपोर्ट में देखिए। देश पर होली का रंग चढ़ा हुआ है। होली से पहले ही रंगोत्सव के रंग देश भर में दिख रहे हैं। इस बार अयोध्या में होली खास रहने वाली है। रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद ये पहली होली है। इस साल रामलला कचनार के फूलों से बने हर्बल गुलाल से होली खेलेंगे। इस खास गुलाल को राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ने तैयार किया है। ये गुलाल सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भेजा गया है। शरीर को कष्ट नुकसान पहुंचाने वाला गुलाल ना उपयोग हो कि मेरे पास कचनार के फूलों का गुलाल बॉटनिकल इंस्टीट्यूट लखनऊ से आया है। अयोध्या के साथ ही सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ मंदिर, वृंदावन मंदिर और प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर में अर्पण करने के लिए विशेष गुलाल भेजा है। मेरठ में हजारों लोगों ने कची माता के साथ होली खेलकर होली की शुरुआत की। यहाँ कटी माता के साथ साथ शीतला माता को जल चढ़ाया गया और फिर रंग लगाने के बाद होली की शुरुआत हुई। देखिए, दिल्ली शराब घोटाले मामले में कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। हालांकि ईडी की तरफ से 10 दिन की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट ने 6 दिन की रिमांड को ही मजबूर किया है। लेकिन आखिरकार वो कौन सी ऐसी वजह थी, कौन सी ऐसी दलीलें थी जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को हवालात में जाना पड़ा है, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ये होली हिरासत में बीतेगी और उनकी ये होली बदरंग की है। दिल्ली शराब घोटाले ने इस मामले में आरोपी बनाए गए अरविंद केजरीवाल के 6 दिन प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कस्टडी में बीतेगी। गुरुवार 21 मार्च को हिरासत में लिए गए अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार यानी 22 मार्च को दिल्ली के रॉबर्ट्स एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने दलीलें पेश की और केजरीवाल के वकीलों की फौज कुछ ज्यादा ही लंबी थी। 3-3 वकील अभिषेक मनु सिंघवी, विक्रम चौधरी और रमेश गुप्ता ने दलीलें पेश की। जज ने लंबी चौड़ी तकरीरें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा और कुछ ही घंटे बाद फैसला सुनाया। कोर्ट ने 28 पन्ने की ईडी की रिमांड एप्लीकेशन पर दलीलों के आधार पर केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। यानी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में 6 दिन रहेंगे, जबकि ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी। अब जरा देख लेते हैं कि ईडी की दलीलें क्या थी और केजरीवाल के वकीलों ने क्या जवाब दिया। ईडी के वकील ने कहा, रिमांड याचिका में आबकारी नीति केस का पूरा बैकग्राउंड शामिल है। तो केजरीवाल के वकील ने कहा, रिमांड ऑटोमेटिक नहीं है, इसे पीएमएलए जैसे कानून के प्रावधानों को पूरा करना होगा। ईडी के वकील ने कहा, नीति इस तरह बनाई गई थी कि रिश्वत ली जा सके और रिश्वत देने वाले लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके। जिस पर अरविंद केजरीवाल के वकील ने दलील दी
कि ईडी के पास विश्वास करने का कारण होना चाहिए, क्योंकि जब गिरफ्तारी करना मुश्किल होता है तो व्यक्ति को छोड़ना भी मुश्किल होता है। ईडी के वकील ने कहा कि अरविंद केजरीवाल घोटाले के सरगना है और उन्होंने रिश्वत लेने के लिए कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाया। तो केजरीवाल के वकील ने कहा कि किसी को दोषी मानने की वजह और ईडी के पास मौजूद सबूत के बीच एक तार्किक संबंध होना चाहिए। ईडी के वकील ने कहा, अपराध की कमाई का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी के गोवा चुनाव में किया गया। इस पर अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि पहली चीज जो हमें दिखानी चाहिए वो है गिरफ्तारी की जरूरत थी। ईडी के वकील ने कहा कि केजरीवाल आबकारी नीति के निर्माण में सीधे तौर पर शामिल थे। केजरीवाल के वकील ने कहा कि आपके पास अधिकार है तो आप किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकते। ईडी के वकील ने कहा कि सिसोदिया के सचिव ने बताया कि सिसोदिया ने उन्हें 2021 में केजरीवाल के आवास पर बुलाया था। इस मामले में सिसोदिया भी गिरफ्तार हैं और उन्हें जमानत नहीं मिल रही है। इस पर केजरीवाल के वकील की दलील थी कि पूरी रिमांड एप्लीकेशन गिरफ्तारी के ग्राउंड्स की कॉपी पेस्ट है। जब ईडी वकील की ओर से कहा गया कि विजय नायर केजरीवाल का बेहद करीबी था और उसी के जरिए के कविता ने आपको 300 करोड़ रुपए दिए थे, इस पर केजरीवाल के वकील ने कहा कि अगर ईडी के पास सब कुछ है तो हिरासत में लेकर पूछताछ क्यों करना चाहते हैं? ईडी ने दलील दी कि केजरीवाल ने साउथ ग्रुप से रिश्वत की मांग की, इसे साबित करने के लिए पर्याप्त बयान है। इस पर केजरीवाल के वकील की दलील थी कि 80% लोगों ने केजरीवाल का नाम नहीं बताया। ईडी के वकील ने कोर्ट में कहा कि बयानों के मुताबिक केजरीवाल ने कविता से मुलाकात की और उनसे कहा कि उन्हें दिल्ली आबकारी नीति पर मिलकर काम करना चाहिए। इस पर केजरीवाल के वकील ने कहा, अगर मेरे मुवक्किल के अंडर काम करने वाला कोई शख्स बयान देता है तो क्या कोर्ट उसे सबूत मान सकती है? ईडी ने कोर्ट में ये भी दलील दी कि 2 मौकों पर पैसों का लेन देन हुआ, जिस पर केजरीवाल के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का जिक्र किया और कहा कि गिरफ्तारी के वक्त सेफगार्ड नहीं अपनाए गए। जब ईडी के वकील ने दलील दी कि चैट के मुताबिक हवाला के जरिए गोवा में 45 करोड़ ट्रांसफर किए गए, कई लोगों को भारी नकद राशि सौंपी गई, तो इस पर केजरीवाल के वकील की दलील थी कि सुप्रीम कोर्ट की बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता तो सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई करनी चाहिए। जब ईडी के वकील ने कहा, आप एक कंपनी है और गलती के लिए हर व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, जिस पर केजरीवाल के वकील ने कहा कि भारत के इतिहास में ये पहली बार है कि किसी मौजूदा सीएम को गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट में और भी दलीलें हुई, लेकिन आखिरकार जज का फैसला आया और केजरीवाल 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिए गए। इस प्रकार की चुनाव के लिए जो एक समतल जमीन आवश्यक है, अति आवश्यक है, अनिवार्य है, समतल जमीन, उस समतल जमीन को आप बदल देते हैं, उसको समतल नहीं रहने देते हैं दुरुपयोग करके एजेंसीज द्वारा, तो उसका सीधा दुष्प्रभाव पड़ता है स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव पर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। उसका सीधा दुष्प्रभाव आगे पड़ता है गणतंत्र लोकतंत्र पे। कोर्ट में पहुंचने से पहले अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी के बाद पहली बार कुछ कहा। मेरे जीवन देश के लिए समर्पित है, चाहे अंदर हो या बाहर। बहरहाल केजरीवाल हिरासत में है, लेकिन 2 दिन पहले शुरू हुआ वार पलटवार का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस देश में पीएमएलए एक ऐसा कानून है जिसके तहत बेल मिलना लगभग असंभव है कि आज भारतीय जनता पार्टी ईडी के माध्यम से चुनाव को जीतना चाहती है। आज ये बिल्कुल साफ है कि ईडी पिछले 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद 1 रुपए का भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं ढूंढ पाई है। जो वर्तमान में ऑनलाइन दस्तावेज मौजूद हैं, ये सभी दस्तावेज दिल दहला देने वाले हैं। कोर्ट में जब ये तथ्य प्रस्तुत किया गया कि अरविंद केजरीवाल द्वारा चिन्हित विजय नायर के सौजन्य से कुछ विशिष्ट शराब कंपनियों ने बैठकर शराब की पॉलिसी बनाई, तो अरविंद केजरीवाल जी के किसी भी वकील ने इस तथ्य का खंडन नहीं किया। आज से ईडी केजरीवाल से पूछताछ करेगी, क्या नए खुलासे होंगे ये तो बात की बात है, लेकिन इतना तय है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से देश का चुनावी माहौल गर्म हो गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भले ही 28 मार्च तक ईडी हिरासत में भेज दिए गए हैं, लेकिन उन्हें बहुत सहूलियतें भी दी गई हैं।
हिरासत के दौरान वो अपने वकीलों और पत्नी से रोजाना मुलाकात कर सकेंगे, लेकिन आज से उनका ईडी के सवालों से सामना हो सकता है, लिहाजा थोड़ी मुश्किलें भी आ सकती हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। राबुल्स एवेन्यू कोर्ट में 3 घंटे की लंबी बहस के बाद अरविंद केजरीवाल को 6 दिनों के लिए ईडी रिमांड पर भेज दिया गया है। अरविंद केजरीवाल को अब 28 मार्च को दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा। उनकी तरफ से कहा गया कि जो पैसा गोवा में इस्तेमाल हुआ है वो इल-गॉटन मनी थी। उन्होंने कहा कि इसमें कहीं भी अरविंद केजरीवाल जी का ना पहले कभी नाम था ना आज के दिन का नाम है, पर अब 6 दिन का चूंकि रिमांड हो गया है इसलिए अब वो 28 तारीख को यहाँ पेश होंगे। राबुल्स एवेन्यू कोर्ट ने भले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 6 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया हो, लेकिन उन्हें कई तरह की फौरी राहत भी दी गई है। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया है कि ईडी के अधिकारियों को 28 मार्च की दोपहर 2 बजे तक अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश करना होगा। जब जब भी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जाएगी वो पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में ही होगी और पूछताछ के दौरान की सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखा जाएगा। चूंकि अरविंद केजरीवाल ईडी रिमांड में रहेंगे तो उनको जेल की तुलना में कई सारी सहूलियतें मिलेंगी। मसलन अरविंद केजरीवाल से हर दिन 1 घंटे उनके वकील मुलाकात कर सकेंगे। सीआरपीसी के सेक्शन 41 डी के तहत दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अपने वकील मोहम्मद इरशाद और विवेक जैन से हर रोज शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक मिलने की परमिशन दी गई है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को हर रोज 1/2 घंटे उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और निजी सचिव विभव कुमार से मिलने की भी परमिशन दी है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के लिए ये राहत की खबर है। सुनीता केजरीवाल अपने पति की गिरफ्तारी का विरोध भी कर चुकी है। सोशल मीडिया एक्स पर अपने पोस्ट में सुनीता केजरीवाल ने 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने का विरोध किया है। इसे दिल्ली के लोगों के साथ धोखा बताया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की सेहत भी ठीक नहीं रहती, लिहाजा कोर्ट ने ईडी की हिरासत में उन्हें इससे भी जुड़ी कई सहूलियतें देने का आदेश दिया है। अरविंद केजरीवाल की खराब सेहत को देखते हुए कोर्ट ने ईडी को आदेश दिया है कि वो डॉक्टर्स द्वारा सुझाई गई डाइट उन्हें मुहैया करवाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो अरविंद केजरीवाल को घर का खाना खाने की इजाजत होगी। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राबुल्स एवेन्यू कोर्ट में एक और अर्जी दी है और उनकी सुरक्षा में तैनात दिल्ली पुलिस के ACP AK सिंह को उनकी सुरक्षा से हटाने की कोर्ट से गुहार लगाई गई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्हें कोर्ट लाते समय उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। इससे पहले भी मनीष सिसोदिया के साथ भी इसी अधिकारी ने दुर्व्यवहार किया था, जिसको लेकर लिखित शिकायत भी की गई थी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल के तौर पर 4थी बड़ी गिरफ्तारी की है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अरविंद केजरीवाल पर वो क्या आरोप है और ईडी उनसे पूछताछ में क्या जानकारी चाहती है, और उसी पूछताछ के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत न मिलने के कुछ ही घंटों के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। शराब घोटाले में ईडी की चार्जशीट के मुताबिक उन सवालों में अहम सवाल उन पर लगे इस आरोप पर हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला मामले के एक आरोपी से फोन पर बात की थी और क्या ये कहा था कि विजय नायर उनका आदमी है और उस पर भरोसा करें। अरविंद केजरीवाल पर ये भी आरोप है कि नई शराब नीति के तहत आंध्र प्रदेश के सांसद श्रीनिवासलु रेड्डी से मुलाकात की और उन्हें व्यापार करने का न्योता दिया। इसके बाद से ही सांसद से जुड़े लोगों ने उनके साथ कारोबार किया। और अहम सवाल ये भी कि क्या अरविंद केजरीवाल ने के कविता से मुलाकात कर आबकारी नीति बनाने में मदद मांगी। एक आरोप है कि नई शराब नीति जब बनाई जा रही थी तब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया वहाँ पर मौजूद थे। इतना ही नहीं, क्या आबकारी नीति को लेकर केजरीवाल के करीबी और आपके कम्युनिकेशन हेड विजय नायर ने साउथ ग्रुप से पैसे लिए? ऐसे ही कई सवाल हैं जिनका ईडी अरविंद केजरीवाल से जवाब चाहती है और 28 मार्च दोपहर तक पूछताछ करने का उसके पास वक्त है। और अगर कुछ पुख्ता जानकारी मिलेगी तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। और चलिए इस बीच आपको एक बहुत बड़ी खबर बता दें, आप विधायक के यहाँ पर ईडी की रेड पड़ी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं,
आप विधायक के ठिकानों पर ईडी का छापा पड़ा है। गुलाब सिंह के यहाँ पर, जो कि आपके विधायक हैं, उनके यहाँ पर, उनके ठिकानों पर ये छापेमारी इस वक्त चल रही है। दिल्ली के मटियाला से एमएलए हैं गुलाब सिंह, जिनके ठिकानों पर इस वक्त ईडी की रेड पड़ी हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, एक तरफ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है, 28 तारीख तक वो ईडी की हिरासत में रहेंगे। दूसरी तरफ आपके नेताओं की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई, लगातार देखिए ईडी की छापेमारी चल रही है। दीपक रावत मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, गुलाब सिंह के यहाँ पर, उनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, क्या खबर? जी देखिए, अभी सुबह ये जानकारी आई है कि गुलाब सिंह जो मटियाला दिल्ली से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनके घर पर ईडी की टीम पहुंची है और लगातार उनके घर पर रेड की जा रही है। बताया जा रहा है कि कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं उनके अकाउंट को लेकर, और शायद इसको लेकर जांच चली। हालांकि पुख्ता तौर पर अभी भी कुछ भी कहना सही नहीं होगा, लेकिन ये जरूर है कि ईडी की टीम सुबह सुबह उनके यहाँ पर जरूर पहुंची है और आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। गुलाब सिंह मटियाला से सिर्फ विधायक नहीं बल्कि गुजरात से आम आदमी पार्टी के प्रभारी भी रहे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में वो गुजरात में ही काफी एक्टिव थे और ऐसे में अरविंद केजरीवाल के और के भी काफी खास माने जाते हैं, उन पर काफी जिम्मेदारी जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। आगे जो भी अपडेट होगा वो दर्शकों तक आपके जरिए पहुंचाएंगे।